कि आपकी तरह 2013 में योगी आदित्यनाथ जी ने और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से कुंभ को भव्य और दिव्य कुंभ जो स्वच्छ कुंभ बनाया गया था, जहां पे 25 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वो अद्भुत था। नहीं 2013 में जो सुरक्षा अपना दे पाए और कितने श्रद्धालुओं को यहां से भेजना पड़ा जो मौत के घाट पे उतरे। आपको शायद पता ना होगा कि प्राचीन काल के अंदर जब गंगा बहती थी काशी के सामने से, तो काशी विश्वनाथ के वो दर्शन और शिव जी के दर्शन करते हुए निकलती थी। आज वहां पे अतिक्रम हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी का की बात सुनते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वहां पे विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ जी की जो कॉरिडोर बना है, तो आप कहीं मंदिर में खड़े होंगे तो सामने गंगा का दर्शन भी करेंगे और गंगा अब शिव जी के दर्शन करते हुए निकलती है। ये जो धार्मिक आध्यात्मिक चीजें या क्रेडिट आप नहीं समझ सकते, जहां तक कि सांस्कृतिक आयोजन को, चाहे वह क्राउड मैनेजमेंट का हो या सैनिटेशन का हो, अगर उदाहरण के रूप में अगर तुमको कोई एक आयोजन लेना पड़ेगा तो प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण बना और ये माँ गंगा की कृपा से ही संभव हो पाया। माँ गंगा की कृपा से इसलिए, सब बैठे हुए हैं, क्योंकि माँ गंगा ने प्रयागराज कुंभ में 25 करोड़ श्रद्धालुओं को यहाँ पर डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनाया था। आज उसका पैराम देश के अंदर गूंजता है। जब भी लोगों के सामने होते कि भीड़ नियंत्रण कैसे होना चाहिए, लोग कहते हैं कुंभ का भीड़ नियंत्रण का मैनेजमेंट सीखो, स्वच्छता का मानक क्या होना चाहिए, प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण बनता है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैसे बनना चाहिए, प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण बनता है। और कैसे सुव्यवस्थित तरीके से एक बृहद आयोजन को सकुशल संपन्न किया जा सकता है, प्रयागराज कुंभ उसका उदाहरण बनता है। सचमुच इस पूरे आयोजन के प्रेरणा स्रोत थे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और जिनके कारण नमामि गंगे की परियोजना सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भाइयों बहनों, आज से 5 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले प्रयागराज में गंगा की दुर्गति आप सबने देखी होगी। गंगा जल में बदबू आती थी, अव्यवस्था थी। आज जब मैं इस मेला क्षेत्र में निकला था, मां गंगा के अविरलता और निर्मलता को देखकर के अंतःकरण से प्रसन्नता हो रही थी कि चलिए, जिसके बारे में लोग कहते थे कि अब गंगा का क्या होगा, मोदी जी के कारण गंगा में, प्रयागराज में गंगा अविरल भी है और निर्मल भी है, यह करके दिखा दिया है।